अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद। और आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट 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 बनाऊँ, पर आपने पूरी देखनी है और इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो है कि बिटकॉइन की क्या अपडेट है इस वक्त, क्या करने वाला है, क्या करेगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए वीडियो है, ये कोई कल परसों आज के लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑल्ट सीज़न कैसे आता है, कब आता है और कब आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को पूरी देखना। काफ़ी मेहनत लगी है इस पर, ठीक है। काफ़ी दिनों से मैं इस पर काम कर रहा था कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई पैटर्न मेरे हाथ आ जाए, कुछ मुझे पुरानी एग्जांपल्स मिल जाए, तो वो मिल चुकी हैं और आज आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये एक मेरी एनालिसिस, मेरी प्रडिक्शंस हैं जो कि मैंने की हैं मार्केट के ऊपर। अच्छा, पहले तो मैं ना कुछ आपको फेजेस बता देता हूँ कि फेजेस क्या होते हैं एक क्रिप्टो के मार्केट के, ठीक है। मार्केट साइकिल्स क्या होते हैं। अच्छा, हमेशा देखा गया है कि सबसे पहले बिटकॉइन पम्प करता है, ठीक है। बिटकॉइन के बाद इथीरियम पम्प करता है। अभी आपने देखा होगा कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे गया, इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। एक दो दिन बाद हुआ ये, पहले बिटकॉइन ऊपर गया फिर इथीरियम ऊपर गया। फेज़ वन होता है बिटकॉइन ऊपर गया, फेज़ टू होता है इथीरियम ऊपर गया, फेज़ थ्री होता है कि फिर ऑल्ट्स पम्प करते हैं। जो बाकी ऑल्ट्स हैं ना, जो कि जिनके अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, वो पम्प्स करते हैं सारे। जैसे कि मैंने आक्रो का सिग्नल दिया था, वो बहुत पम्प कर रहा है बिटकॉइन बेशक रम में। वेट, ठीक है, मैटिक, तो ये कुछ सिग्नल्स थे। एक्सआरपी भी है उसमें, एक्सआरपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पास्ट वन मंथ ना। तो फेज़ थ्री होता है कि वो पम्प करते हैं, फेज़ फोर होता है कि जो आपका स्मॉल कैप्स कॉइन्स होते हैं ना, ठीक है, जो छोटे कॉइन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और काफ़ी जो नीचे हैं, जैसे जिस तरह के ये हॉट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका फिर सीज़न आता है। तो इस तरह ना फेज़ बाय फेज़ हम मार्केट के अंदर चलते हैं और उसके बाद बेयर मार्केट हमारी शुरू हो जाती है और हमें डंप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ऑल्ट सीज़न की क्या सीन है। देखिए, ऑल्ट सीज़न जो है ना, ऑल्ट सीज़न से पहले आपको डोमिनेंस, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बिटकॉइन की डोमिनेंस होती क्या है। बिटकॉइन की डोमिनेंस ये होती है कि जो पूरा क्रिप्टो की मार्केट का शेयर है ना, वो कितने परसेंट बिटकॉइन के पास है, मतलब कितना परसेंट पैसा सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है और कितना परसेंट पैसा पूरे क्रिप्टो के अंदर। जैसे अभी जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 45% चल रही है, 45 चल रही है, मतलब 45% चल रही है। इसका ये मतलब है कि जितना भी पैसा है ना क्रिप्टो के अंदर, उसमें से 45% हिस्सा सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है और बाकी सारा हिस्सा बाकियों के अंदर है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर नीचे होने से ऑल्ट्स पे क्यों फ़र्क पड़ता है, वो इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि भाई अभी आप देखें ना, हमेशा कहते हैं कि बिटकॉइन किंग है, उसको सब फॉलो करते हैं। उसको सब फॉलो क्यों करते हैं, सिर्फ डोमिनेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब बिटकॉइन पम्प करेगा ना तो उसकी डोमिनेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद बिटकॉइन पम्प होना शुरू हो जाएगा, मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऑल्ट्स के अंदर भी पैसा आएगा, तो इसलिए जो है ना बिटकॉइन को फॉलो करते हैं। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस का क्या ताल्लुक है ऑल्ट्स कॉइन से, ऑल्ट्स कॉइन से ये ताल्लुक है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब गिरेगी ना तब ही ऑल्ट्स पम्प करेंगे, ठीक है। अब गिरना क्यों ज़रूरी है, गिरना ऐसे ज़रूरी है क्योंकि गिरेगी तो हमें ये पता चलेगा कि यार बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, ठीक है। तो गिरने का यह मतलब है कि पैसा बिटकॉइन से निकल रहा है और मार्केट में बाकी जगहों पे जा रहा है, मतलब ऑल्ट्स के अंदर जा रहा है। तो जब पैसा ऑल्ट्स के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑल्ट्स कॉइन पम्प करेंगे, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 47 से 45 आई है, ठीक है, और 47 से 45 आते आते एक्रो, वेट, मैटिक और इस तरह के बाकी काफ़ी कॉइन्स हैं जो कि पम्प हुए हैं, और वो इसीलिए होंगे क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हुई, बिटकॉइन से पैसा निकला, वो ऑल्ट्स कॉइन के अंदर गया और ऑल्ट्स कॉइन जो है वो पम्प हुए, ठीक है। अभी मैं कुछ ना आपको एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ ट्रेंड लाइन का बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर और
कैसे फिर बिटकॉइन बढ़ता है, किस तरह फिर साथ साथ जो है ऑल्ट सीजन आता है, फिर ऑल्ट कॉइन बढ़ते हैं, तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब ये आप चार्ट देखें, मैंने जितना देखा है ना, देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी एनालिसिस है, मेरा ही ये ऑब्जर्वेशन है मार्केट के ऊपर, ना ये मैंने कहीं देखा है, हो सकता है किसी और ने भी इस तरह का कुछ किया हो, पर ये सब कुछ मेरा ही है, तो इस पे मैं कोई 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, पर आपको मैं 3 बुल रन्स के एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करने बैठे, हवाई बातें करने नहीं बैठे। अच्छा, मैंने जितना भी देखा है ना कि जब भी आपके अंदर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा ना, मतलब आपके पास ट्रेंड लाइंस बन रही होंगी, बुल फ्लैग बन रहा होगा, और बुल फ्लैग से आपके पास ब्रेक डाउन होगा, और उसके पास उसके बाद आपके पास ऑल्ट्स में पंप आएगा, उससे पहले सिर्फ बिटकॉइन पंप करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉन है, तो हम देख सकते हैं कि 11-12 दिसंबर के बाद ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। पहले हम बिटकॉइन की डोमिनेंस को बिटकॉइन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना, हम 23 नवंबर से शुरू करते हैं, बिटकॉइन का भी चार्ट देख लेते हैं। तो अगर हम देखें ना, थोड़ी बिगर पिक्चर में देखें, तो ये सितंबर अक्टूबर से हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही थी, ठीक है, जैसे कि पिछले दिनों में भी काफ़ी बढ़ती रही है, मेरे ख्याल से 40 से 47 तक गई है ना, इसी तरह पहले भी 54 से 70 तक गई थी बिटकॉइन की डोमिनेंस, ठीक है। हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती रही और 24-25 सितंबर से बढ़ती रही, ठीक है। अभी हम बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर देखते हैं इसका क्या एक्शन पड़ा। ये 23 दिसंबर से हमारे पास ये काम शुरू हुआ कि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ रही थी काफ़ी, और बिटकॉइन भी बहुत पंप कर रहा था, ठीक है। 24 सितंबर से लेके 17 दिसंबर तक बिटकॉइन का बुल रन, मतलब ओवरऑल मार्केट में बुल रन था, ठीक है, और बीच में ऑल्ट सीजन भी आया, वो बीच में कब आया वो मैं आपको बताता हूँ, और हमें 353% का गेन मिला बिटकॉइन के अंदर इस 2017 बुल रन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक डाउन की वजह से हुआ गया, ठीक है। हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ तकरीबन 12-13 दिसंबर के आसपास, ठीक है, 12-13 दिसंबर के आसपास हमारे पास इस जगह पे तकरीबन ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, जिस वजह से बिटकॉइन के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आई, वोलेटिलिटी आई, बिटकॉइन नीचे गया, ठीक है। हमें तकरीबन उस वक्त 20% बिटकॉइन गिरता हुआ नज़र आया उस वक्त, ठीक है, गिरा था बिटकॉइन 15% तक, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रेक डाउन का सिनेरियो था कि हमारे पास बिटकॉइन 15-20% गिरा, ठीक है, जब ब्रेक डाउन हुआ हमारे पास तकरीबन 20-13 दिसंबर के आसपास, हमारे पास जब ब्रेक डाउन हुआ ना, तो बिटकॉइन 20-15% गिरा और उसके बाद दोबारा ऊपर चला गया। अभी देखें दोनों का इफेक्ट देखें कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही थी, सितंबर से लेकर दिसंबर तक बढ़ती रही, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, 55 से लेकर 70-75 तक बढ़ी, और बिटकॉइन के अंदर बहुत पंप्स देखे हमने, ठीक है, बिटकॉइन जो है तकरीबन 16,000-17,000 टच किया, और हमारे पास दोबारा 14,000-13,000 तक हमने इसको देखा ब्रेक डाउन के वक्त, ठीक है। अब हम जाते हैं ऑल्ट कॉइन के ऊपर, अब क्या इफेक्ट पड़ा साथ साथ, ठीक है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस तो बढ़ रही थी 24 सितंबर से, ठीक है, पर इथेरियम भी अगर हम देखें ना, तो ये हमारे पास सितंबर से जब ये बढ़ रही थी बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो ये हमारे पास कोई इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आई, ठीक है, इधर अगर आप देखें तो हमारे अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आई इसके अंदर, ये बिटकॉइन, ये इथेरियम था जो कि बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, ठीक है। जब बिटकॉइन, जब ये प्राइस जो डोमिनेंस है ना बिटकॉइन की, वो भी बढ़ रही थी, बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ रही थी, सब कुछ बढ़ रहा था, पर ऑल्ट कॉइन इथेरियम को हम एज एन ऑल्ट कॉइन ले रहे हैं अभी, पर वो नहीं बढ़ रहा था, वो हमारे अंदर एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला हुआ था। अब देख लें, सितंबर के बाद अक्टूबर आया, नवंबर आया,
कुछ नहीं हुआ। पर जब बिटकॉइन डोमिनेंस का हमारे पास ब्रेकडाउन आया ना तकरीबन 12-13 दिसंबर को, तब देखें कि बिटकॉइन के अंदर ये इथेरियम के अंदर क्या हुआ। ये हमारे पास ब्रेकडाउन आया 12 दिसंबर को, ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस ब्रेकडाउन हुई, बिटकॉइन भी गिरा, सब कुछ हुआ। पर जो इथेरियम था वो 12 दिसंबर से लेके, अब देखें 12 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या हुई, सिर्फ कम होती रही होती रही होती रही होती रही। पूरा महीने में वो 66 से हमारे पास 38 पे बिटकॉइन डोमिनेंस आ गई, ठीक है। पर हो रहा क्या था कि बिटकॉइन भी बढ़ रहा था, बिटकॉइन उसके बाद 18,000 से 20,000 तक गया, ठीक है। और इथेरियम ने जैसे ही हमारे पास ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है ना, उसके बाद इथेरियम ऐसा पंप होना शुरू हुआ कि सिर्फ एक महीने के अंदर इथेरियम 200% तक पंप हुआ, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 15 जनवरी तक, डेढ़ एक महीना था, महीना डेढ़ महीना ये इथेरियम बहुत तेज़ी से पंप हुआ, ठीक है। और ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जिस वक्त डोमिनेंस गिर रही होती है बिटकॉइन भी पंप कर रहा होता है तो ऑल्ट्स हमारे पास पागल हो जाते हैं, और ये पागल होंगे, ठीक है। कब होंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब हम अभी के बुल रन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का ब्रेक डाउन हुआ 12 दिसंबर को, और इधर से 12 दिसंबर को बिटकॉइन इथेरियम चढ़ना शुरू हो गया। डोमिनेंस जैसे जैसे कम होती रही, जितनी तेज़ी से डोमिनेंस कम होती थी उतनी तेज़ी से इथेरियम पंप करता था, और हमारे पास 200% पंप आया, ठीक है, इस ऑल्ट सीजन में 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 हमारे पास बियर मार्केट शुरू हो गई 2018 की, जो कि बहुत एक बुरी फेज था, ठीक है। अब हम आते हैं 2020 के ऊपर कि 2020 में क्या हुआ। इथेरियम का भी खोल लेता हूँ मैं साथ, डोमिनेंस भी खोल लेता हूँ 2020 की, ठीक है, और साथ में बिटकॉइन भी 2020 में क्या कर रहा था। 2020 का बुल रन अभी जो रिसेंटली भी आए होंगे उनको याद होगा, 18 मई से पहले का जो बुल रन था, क्या बुल रन था यार वो, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपने ना पैटर्न याद रखना कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, बिटकॉइन बढ़ता है, ये दोनों चीज़ें बढ़ती रहती हैं, बिटकॉइन बढ़ता रहता है, डोमिनेंस बढ़ती रहती है, दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, सब कुछ आपस में बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ऐसा एक टाइम आता है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर जाती है पर बिटकॉइन पंप करता है, और फिर आता है हमारा इथेरियम और ऑल्ट सीजन, ठीक है। इथेरियम के कोई कुछ दिनों बाद ही ऑल्ट सीजन शुरू हो जाता है, आप उसको एज एन ऑल्ट सीजन ही कह सकते हैं कि इथेरियम को एज एन इथेरियम जो है पूरी ऑल्ट को जो है डिफाइन कर रहा है इधर। तो पहले डोमिनेंस और बिटकॉइन बढ़ते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, फिर डोमिनेंस का ब्रेकडाउन होता है और फिर हमारे पास ऑल्ट सीजन शुरू हो जाता है। अभी हम 2020 में भी देखते हैं क्या हुआ। पहले तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन और डोमिनेंस बढ़ती रही, ठीक है, ये 1 दिसंबर और नवंबर की बात है, ठीक है, नवंबर का लास्ट वीक या 1 दिसंबर आप कह सकते हो कि जब बिटकॉइन जो हमारे पास डोमिनेंस थी ना वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ जब बिटकॉइन की जो बिटकॉइन की डोमिनेंस काफ़ी बढ़ी, तकरीबन 60 से 74 तक आई, ठीक है। और ये हमारे पास टाइम था 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक ले लेते हैं, तो ये 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक का ये टाइम था जहाँ हमारे पास बिटकॉइन भी बढ़ा, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी बढ़ी, दोनों चीज़ें बहुत बढ़ रही थी। अच्छा, एक बात मैं इधर दोबारा आपको बता दूं कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है ना तो बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है, 15-10% गिरता है, और फिर वो दोबारा पंप होना शुरू होता है। उस टाइम तक इथेरियम और बाकी जो ऑल्ट्स कॉइन है वो हमारे पास पंप कर रहे होते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं कि बिटकॉइन पंप हुआ,
डोमिनेंस बढ़ी, सब कुछ हुआ, मार्केट स्टेबल थी, जैसे आपके आपको दिखा चुका हूँ मैं 2017 में, 2017 में मैं जैसे दिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, बिटकॉइन बढ़ रहा था, डोमिनेंस बढ़ रही थी, ऑल्ट्स बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, कभी नीचे जा रहे थे कभी स्टेबल हो रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास इथीरियम गया 4400, 4400 पे। उसके बाद अभी जो ऑल्ट्स हैं वो कुछ ऑल्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल्ट सीज़न आ गया, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है और फिर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को देख लेंगे। अच्छा, अभी हम इधर देख रहे थे कि 7 जनवरी तक, ठीक है, नवंबर से लेके 4-5 जनवरी तक बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी बढ़ी। ठीक है, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस थी वो भी काफ़ी बढ़ी। और फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद ये प्राइस, ये डोमिनेंस नीचे जाती रही जाती रही जाती रही, और फिर भी बिटकॉइन हमारे पास ऊपर ही जाता रहा। हमने बिटकॉइन को ऊपर ही जाते हुए देखा है। 2020 की बुल रन की बात कर रहा हूँ मैं, जब बिटकॉइन 20-250% ऊपर गया था। अच्छा, अभी आपने पहली दो कंडीशन पूरी होगी कि डोमिनेंस भी बढ़ती रही, बिटकॉइन भी बढ़ता रहा। अब थर्ड कंडीशंस क्या थी जो मैंने आपको बताई थी कि फिर उसके बाद बिटकॉइन गिरता है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, बिटकॉइन ऊपर रहता है और फिर ऑल्ट्स बढ़ते हैं। अभी आ जाएं इधर। अच्छा, क्या दिन था भाई। अभी इधर देखें ना, 30 दिसंबर के बाद हमारे पास होने शुरू हो गया, 2 जनवरी के बाद हमारे पास डोमिनेंस डिक्रीज होती रही, और 4 जनवरी के बाद हमारे पास ब्रेक डाउन आ गया। इधर भी सेम सीन हुआ है भाईजान, के जो हमारे पास ऑल्ट्स थे ना, जो कि हमारे पास थीरियम था, वो कंसोलिडेशन फेज में था। ठीक है, इन जगहों पे कि हमारे पास काफ़ी कंसोलिडेट हुआ हुआ था, जबकि बिटकॉइन बम कर रहा था, ये क्यों नहीं कर रहा था भाई। फिर वही चीज़ें जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 4 जनवरी आ गई भाईजान, इधर भी 4 जनवरी खोलने, 4 जनवरी को हमारे पास ब्रेक डाउन आया। ठीक है, और 4 जनवरी को हमारे पास ब्रेक डाउन आया इधर बिटकॉइन की डोमिनेंस की ट्रेंड लाइन से, जो कि बुल फ्लैग था। बुल फ्लैग जो है ना, उसका होता है, बुल फ्लैग एक बुलिश है, बुलिश होता है बुल फ्लैग, पर वो एक बेरिश साइन होता है कि अभी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ये हर कॉइन पे यही इसी तरह अप्लाई होता है। अच्छा, 4 जनवरी से लेके 15-16 मई तक हमारे पास सिर्फ डाउन ही आता रहा, डाउन ही आता रहा, आता रहा, आता रहा। ठीक है, 31 मार्च को थोड़ा ये स्टेबल हुआ, चलो कह देते हैं कि भाई हमारे पास 4 जनवरी से लेके 30 मार्च तक काम कर रहे थे। क्या हुआ इथेरियम के साथ, इथेरियम के साथ फिर ये हुआ कि 4 जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक ये हमारे पास इथेरियम का बहुत अच्छा बुल रन रहा। ठीक है, बहुत अच्छा बुल रन रहा, जहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रही। अगर हम मई तक लेके जाएं इसको, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा इसके अंदर पंप आया है। बीच में एक छोटा सा करेक्शन डम जो भी आप कह रहे हैं वो आया था, पर अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ इस एरिया पे जहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस का ब्रेक डाउन हुआ हुआ और ये फिर स्टेबल होना शुरू हो गया। जैसे ही ब्रेक डाउन, जितनी तेजी से बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर रही थी उतनी तेजी से थीरियम पंप कर रहा था। ठीक है, इधर आप देख लें, फिर थोड़ा स्टेबल हुआ, थोड़ा थीरियम नीचे गिरा। ठीक है, जब स्टेबल होते होते बिटकॉइन नीचे गिरा ना, और फिर दोबारा जो है बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा गिरना शुरू हुई मार्च के एंड में, और फिर मार्च के एंड में बिटकॉइन दोबारा चढ़ना शुरू हो गया। फिर हमारे पास 15-16 मई तक गिरता रहा बिटकॉइन की डोमिनेंस, गिरती रही और बिटकॉइन जो है वो हमारे पास सिर्फ पंप ही करता रहा। 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 भी हो गया, अब क्या आता है, अब आता है 2021। 2021 में देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो चुकी हैं, ये ब्रेकडाउन हो चुका है हमारे पास इधर। पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं के पिछले जितने भी थे ना, उनमें 2017 में ये हो चुका है कि एक बार ट्रेंड लाइन से ब्रेक डाउन हुआ था। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद दोबारा ट्रेंड लाइन बनी, बुल फ्लैग बना, बिटकॉइन दोबारा ऑल टाइम हाई पे गया और फिर हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ, फिर ऑल टाइम जो इथेरियम था या ऑल्ट कॉइन थे वो
पंप होना शुरू हुए। इधर भी हमारे पास सेम सिनेरियो था भाईजान, 18-19 सितंबर से जो हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस थी वो बढ़ना शुरू हो गई, और इधर भी ये सीन हुआ कि 18-19 सितंबर के बाद बिटकॉइन काफ़ी पंप हुआ। हमारे पास बुल रन स्टार्ट हो गया 2021 का, जिसमें 60% बिटकॉइन अप हो गया। ठीक है, हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती रही, बिटकॉइन की जो बुल रन है वो भी स्टार्ट हो गई 2021 के, 60% अप चला गया एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कॉइन, बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। फिर हमारे पास आया इथीरियम, इथीरियम भी पम्प करना शुरू हो गया। अब क्या, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा इंक्रीज करेगी। ठीक है, हमारे पास ये 50 के आसपास या 50 से ऊपर जाएगी, दोबारा हमारे पास बुल फ्लैग बनेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई दोबारा लगेगा 70-75 तक का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद हमारे पास ऑल्ट सीजन आ जाएगा। ठीक है, पर आप ये ध्यान रखेंगे जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी ना वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, और अगर ऑल्ट सीजन की कंफर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा कि इट्स हैपनिंग और आ सकता है। ठीक है, तो अभी लिख लें जो मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करनी, जो जितना मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करेगी, 50 से ऊपर जाएगी, फिर हमारे पास बुल फ्लैग बनेगा। ठीक है, और बिटकॉइन जो है 70-75 के जाएगा, और उसके बाद हमारे ब्रेकडाउन मिलेगा, और इथीरियम पर जो है इथीरियम और ऑल्ट सीजन की हमारे पास टाइम आएगा, और ये करते करते मेरे ख्याल से 15-16 नवंबर, मतलब आफ्टर मिड ऑफ नवंबर ना, इस इन जगहों पे, मतलब इन डेट से 15 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास जो है ब्रेकडाउन आएगा हमारे पास। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, ये प्रेडिक्शंस हैं कि ये इस जगह से जो है ना ब्रेकडाउन आएगा हमारे पास, और बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग चुका होगा 70-75 के आसपास होगा, और फिर ब्रेकडाउन आने के बाद इथेरियम हमारे पास पंप करेगा। ओहो, बहुत बोली आज। अच्छा, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप बोर नहीं किया होगा आपको, चीज़ें मैं नहीं करता रहा हूँ बीच में, और जो जो गैंग से नहीं है नीचे भाई साहब उसका लिंक है, ज्वाइन करो, 8000 की फैमिली है हमारी, 7000 की फैमिली है हमारी, फ्री ग्रुप है, ज्वाइन करो, मार्केट ब्रेड्स भी आती हैं, सिग्नल्स भी आते हैं, सब कुछ फिटफाट चल रहा है। और अगर आपने इंस्टा पे फॉलो करना हो तो वो भी कर सकते हैं, नीचे जो है मैंने लिंक दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।